अब हम जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने, जो है लेक्चर चैप्टर 23। उस लेक्चर में अब हम स्टार्ट करेंगे विद एग्जांपल। सबसे पहले एग्जांपल यूज हुई है टच एविंस की। ये आप एक नज़र इस कोड को देखें कि इन्होंने कोड को स्टार्ट किससे किया हुआ है। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि विंडोज़ से आपका जो है वो कोर्स कोड स्टार्ट होता है विंडो के हेडिंग से, जिसमें आप अपनी जो भी इवेंट आपका मेन विंडो का आपका जो नेम होता है वो मेंशन करते हैं। अच्छा जी, इस वीडियो में हम चैप्टर 23 की में मैनिपुलेशन इवेंट्स पढ़ेंगे। मैनिपुलेशन इवेंट्स कौन से इवेंट्स होते हैं? ये वो इवेंट्स होते हैं जो टच इवेंट्स होते हैं। टच के लिए प्रॉपर्टीज़ जो टच डिवाइसेस में यूज़ होती हैं वो इवेंट्स होते हैं मैनिपुलेशन इवेंट्स। ठीक हो गया, हम यहाँ पर डिफरेंट इवेंट्स पढ़ेंगे, मैनिपुलेशन स्टार्टिंग एंड मैनिपुलेशन स्टार्टेड, मैनिपुलेशन डेल्टा। यहाँ पर हमारे डिफरेंट इवेंट हैं। मैनिपुलेशन स्टार्टिंग और मैनिपुलेशन स्टार्टेड देख लें पहले आप। ये वो इवेंट्स होते हैं जब हम टच करते हैं, द मोमेंट जब हम हमारी फिंगर टच कह रही है स्क्रीन को, ये हमें कस्टमाइज़ करना अलाउ करते हैं, ये वो इवेंट होता है। पर मैनिपुलेशन डेल्टा, ये वो इवेंट होता है जब आपका आपकी टच मूवमेंट हो रही है। लाइक अगर मैं यहाँ पे ही मेरे पास आपको पहले भी बताया था स्टाइलस यूज़ कर रही होती हूँ, तो मेरी जो टच मूवमेंट्स होती है ना, ये जो मूवमेंट्स हैं, ये मूवमेंट्स हैं, ये मैनिपुलेशन डेल्टा में है। मैनिपुलेशन कंप्लीटेड जब होती है जिस मूवमेंट पे मैं अपना टच हटा रही हूँ, अपना फिंगर मूव कर रही हूँ, वो मैनिपुलेशन कंप्लीट हो जाती है। अच्छा भाई, मैनिपुलेशन इवेंट्स जो है वो जब ही वर्क करते हैं जब इस मैनिपुलेशन इनेबल ट्रू होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऑफ कर देती हूँ, अब ये इवेंट ये जो है डिफरेंट मैनिपुलेशन स्टार्ट हुई, ये हमारी स्क्रॉलिंग हो रही है, पर जब मैं इसको ड्रॉ पे वापस क्लिक करती हूँ तो ये हमारी ड्राइंग हो रही है। तो ये इसका मतलब क्या है कि इस मैनिपुलेशन इनेबल है कि नहीं है उस फीचर की, उस वक्त की काम करता है। मैनिपुलेशन स्टार्टिंग स्टार्ट इवेंट्स एट फर्स्ट फिंगर टच डाउन, जिस तरह जिस वक्त फर्स्ट फिंगर स्टार्ट होती है मैनिपुलेशन स्टार्टिंग इवेंट स्टार्ट जाता है। अच्छा, उसके बाद इनर्शिया आ जाता है यहाँ पर हमारे पास। अच्छा, हम मैनिपुलेशन डेल्टा को कहाँ कहाँ देख सकते हैं? मैनिपुलेशन डेल्टा क्लासेस, ट्रांसलेशन, स्केल, रोटेशन, एक्सपेंशन, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं जहाँ पर हम मैनिपुलेशन डेल्टा को देख सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, इसके इवेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं। मैनिपुलेशन डेल्टा इवेंट आर्ग्यूमेंट हैज़ डेल्टा मैनिपुलेशन एंड क्यूमुलेटिव मैनिपुलेशन, ये दो मैनिपुलेशन आर्ग्यूमेंट्स हैं मैनिपुलेशन डेल्टा के। अच्छा, अब यहाँ पर कोडिंग आ गई है। नाउ व्हाट इज़ इनर्शिया? इनर्शिया देख लेते हैं। इनर्शिया क्या है भाई? अब हमारे पास इनर्शिया इंट्रोड्यूस हो रही है। इनर्शिया इज़ व्हाट हैपेंस आफ्टर यू रिलीज योर फिंगर्स फ्रॉम द स्क्रीन। जिस मोमेंट आप स्क्रीन से अपनी फिंगर्स रिलीज कर देते हो, कॉन्टैक्ट लूज कर देते हो, वो मोमेंट होता है इनर्शिया। उसी वक्त मैनिपुलेशन कम्प्लीट का इवेंट थ्रो हो जाता है और यू कैन सेट मैनिपुलेशन इनर्शिया। उस वक्त मैनिपुलेशन इनर्शिया आपका इंक्लूड हो जाते हैं। इनर्शिया में ट्रांसलेशन, रोटेशन, एक्सपेंशन, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। उसके बाद ट्रांसलेशन बिहेवियर में जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं वो भी आप देख लीजिएगा, यहाँ लिखी हैं। डिजायर्ड डिप्लेसमेंट, डिजायर्ड एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, ये सारी ट्रांसलेशन के बिहेवियर, रोटेशन के बिहेवियर, रोटेशन, डिजायर्ड एक्सेलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी। ठीक हो गया, हमारे पास एक्सपेंशन बिहेवियर के भी कुछ आपके पास यहाँ पे डिफरेंट आपके पास वो गिवन है। इफ फॉर दोज इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग मल्टी टच एप्लीकेशन ऑन विंडोज, हमारे पास सरफेस टूल किट फॉर विंडो टच भी पूरी टूल किट होती है, वो आप देख सकते हैं जहाँ पर मल्टी टच एग्जाम्पल्स यूज होती हैं। अच्छा भाई, डिफरेंट इवेंट्स की आपको पूरी लाइब्रेरी मिल सकती है। अब आ जाए बाउंड्री अवेयरनेस की तरफ। बाय डिफॉल्ट इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल रिजल्ट एंड इनिशियलाइज विद करेंट वैल्यूज, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। बाय डिफॉल्ट करंट वैल्यू से इनिशियलाइज होती हैं। टू अब बाउंड्री अवेयर की तरफ आ जाए। टू बी मेक योर एप्लीकेशन बाउंड्री अवेयर। बाउंड्री अवेयर क्या है? ये के बाउंस इफेक्ट आ रहे हैं अगर आपकी एप्लीकेशन में, तो ये बाउंड्री अवेयरनेस है। इसके लिए हमारे पास मैनिपुलेशन बाउंड्री फीडबैक इवेंट यूज होता है। ठीक हो गया, हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर एक प्रॉपर स्पैनिंग व्हील की आपके पास एग्जांपल है, जो बड़ी फन एग्जांपल है। इसको आप देखें, आप जिस वक्त फिंगर रखेंगे वो मूव करना शुरू होगा, जब आपका मैनिपुलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो वो मूवमेंट अपनी बंद कर देगा।
अच्छा पैनिंग सपोर्ट क्या होती है? इफ़ यू आर वर्किंग विद स्क्रॉल व्यूअर यू कैन इनेबल पैनिंग सपोर्ट. अगर आप पैनिंग सपोर्ट को इनेबल जब कर सकते हैं जब स्क्रॉल व्यूअर वर्क कर रहे हैं जिसमें हॉरिजॉन्टल और लेफ्ट ओनली, हॉरिजॉन्टल ओनली और वर्टिकल ओनली, ये हमारे इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. जैसे कि इसको मैं ऊपर स्क्रॉल कर सकती हूँ इस को इस तरह से, ये हमारी हमारी व्यूअर की प्रॉपर्टी. तो इस लेक्चर में हमने सारी क्या पढ़ी है, हमने सारी अपनी मैनिपुलेशन इवेंट्स पढ़े हैं, टच इवेंट्स पढ़े. थैंक यू. अच्छा भाई हम जब लेक्चर 24 में पढ़ रहे हैं कमांड्स पढ़ रहे हैं. भाई कमांड्स क्या होती हैं? जो लूजली इवेंट्स की तरह होती हैं, डिफरेंट कमांड्स जो हम अपनी WPF एप्लीकेशन में देते हैं, जो हम सब उसकी यूज टू हैं बट हमें उसकी नॉलेज नहीं है. वो कमांड्स होती हैं, वो कपल्ड वर्जन ऑफ इवेंट्स होते हैं, जैसे कॉपी पेस्ट कट, ये सारे वेरियस वेज हैं कमांड के. आपके पास डिफरेंट कमांड्स यूज़ हो रही हैं. अब हम यहाँ चलते हैं कि कमांड्स को जो है वो क्या इम्पोर्टेंस है. तो ये बहुत ज़्यादा हमारे इम्पोर्टेंट होती हैं. ये आपकी इंटरेक्ट करती हैं, दो प्लेसेस को इंटरेक्ट करती हैं. अच्छा भाई उसके बाद हम देखते हैं कमांड इनेबल और डिसेबल. WPF ने नंबर ऑफ कमांड्स जो है वो डिफाइन की हुई है. कमांड जब ही अप्लाई होगी जब वो इनेबल होगी, वरना वो अप्लाई नहीं होगी. लाइक अगर मेरे पास कुछ पेस्ट करने का नहीं होगा, मैं राइट क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर आप देखें पेस्ट का या पेस्ट का बटन जो है वो यहाँ पे पेस्ट का बटन नहीं है फॉर. बट अगर मैं कोई किसी जगह पे यहाँ पे फॉर एग्जांपल बैक और फॉरवर्ड इनेबल डिसेबल हुआ है, तो इस तरह से अगर आपके कोई चीज़ जब आपका इनेबल होगा कमांड तभी वो कमांड करेगी ना. लेट्स टॉक अबाउट टू वे कम्युनिकेशन. टू वे कम्युनिकेशन जो है मैसी हो जाए जब हमारे पास कमांड्स ना हो, तो हमारे पास कंट्रोल्स होते हैं, लिस्ट ऑफ कंट्रोल्स होते हैं जो आपकी कमांड्स को कंट्रोल करते हैं. ये ऑटोमेटिक सपोर्ट्स गिवन होती हैं लाइक कीबोर्ड्स और माउस से, कुछ शॉर्टकट्स होते हैं हमारी कमांड्स के जो हमें पहले पता होते हैं वो कीबोर्ड से मिलते हैं. तो ये हमारे कंट्रोल कमांड्स इस तरह से कंट्रोल होती हैं. अच्छा भाई अब आगे चलते हैं. इसके बाद हम पढ़ते हैं कमांड्स हैव ऑटोमेटिक सपोर्ट फॉर इनपुट जस्ट सम ऑफ WPF कंट्रोल्स हैव बिल्ट इन बिहेवियर टाइड टू वेरियस कमांड्स. बिल्ट इन बिहेवियर होता है. अच्छा आई कमांड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पास पेपर्स में भी है. आई कमांड जो है वो डिफाइन करता है, आई कमांड इंटरफेस कमांड को कहते हैं, वो तीन कमांड्स डिफाइन करता है. एग्जीक्यूट कमांड, कैन एग्जीक्यूट कमांड एंड कैन एग्जीक्यूट चेंज कमांड. ये जो है वो आई कमांड की कमांड्स है और इसको प्रॉपरली आपने याद रखना है. ओके अब इसके लिए ज़रूरी है इवेंट टू टेकल दैट इज इनेबल प्रॉपर्टी इन द रूल एंड पीस इज इनेबल प्रॉपर्टी हो तभी कमांड चलेगी. अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं जो मैंने पूरा हाईलाइट किया है. फॉलोइंग आर प्रीडिफाइंड बिल्टिन कमांड्स. ये बिल्टिन कमांड्स हैं. एप्लीकेशन कमांड्स सबसे पहले आ जाती हैं. एप्लीकेशन कमांड इसको याद कैसे रखें? एप्लीकेशन कमांड में आते हैं क्लोज, जो भी एप्लीकेशन आप देखें पूरी एप्लीकेशन जो आपको खुली होती है उसमें आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं. क्लोज, कॉपी, कट, डिलीट, फाइंड, हेल्प, ये सारी चीज़ें हम एक एप्लीकेशन की कमांड्स हैं. आप क्लोज कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, ये सब एप्लीकेशन कमांड्स में आ जाती हैं. तो आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी आता है एग्जाम में कि एप्लीकेशन कमांड्स कौन सी हैं वो राइट डाउन करो. ऐसे भी आता है कि आपको कमांड गिवन होगी, आपको बताना होगा कौन सी कमांड है, ये एप्लीकेशन है या कॉम्पोनेंट है या मीडिया कमांड है. तो आपके पास डिफरेंट कमांड्स हैं. अच्छा कॉम्पोनेंट कमांड्स पे चले जाओ. कॉम्पोनेंट कमांड्स में वो कमांड्स आती है जो एक कॉम्पोनेंट पर गिवन होती है. मूव डाउन, किसी कॉम्पोनेंट को आप डाउन मूव कर सकते हो, मूव लेफ्ट, मूव राइट, ये सारी कमांड आ जाती हैं कॉम्पोनेंट कमांड. उसके बाद मीडिया कमांड. अगर आप मल्टीमीडिया खोलते हो अपने फ़ोन में तो आप कौन कौन से कमांड्स यूज़ करते हो? चैनल डाउन, चैनल अप, डिक्रीज वॉल्यूम, फास्ट फॉरवर्ड, इस तरह से आपने याद रखना है. उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट चीज़ पे, दैट इज़ नेविगेशन कमांड. जब नेविगेशन कमांड में आप ब्राउज बैक कर सकते हो, आप ब्राउज फॉरवर्ड कर सकते हो, ये सारे फेवरेट्स, जैसे आपके इस पेज पे फेवरेट का बटन मौजूद होता है, इस तरह से आप ये नेविगेशन कमांड यूज़ कर सकते हो. आपके पास उसके बाद एडिटिंग कमांड्स हैं. एडिटिंग कमांड्स कौन कौन सी होती हैं? किसी भी फंड को अलाइन करना, अलाइनमेंट की सारी कमांड्स, उसके स्पेलिंग एरर्स की कमांड, ये सब हमारे पास एडिटिंग कमांड्स है. बाकी यहाँ पे कमांड्स के कोड गिवन है. उसके बाद है
आपके पास ये कमांड्स की प्रॉपर्टीज़ है, बटन एंड टेक्स्ट बुक। कमांड का ये एक इम्पॉर्टेंस है कि ये इंटरेक्ट करवाते हैं, लाइक बटन और टेक्स्ट बॉक्स का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है जब तक के कमांड ना हो, तो हमारे पास कमांड जो इंटरेक्शन करवाता है। अच्छा, एक और है वर्ड कमांड बाइंडिंग्स। कमांड बाइंडिंग्स नहीं छोड़ना आपने, यहाँ पे आपने कहीं पे इसको मिस कर दिया है, कमांड बाइंडिंग। अगर आपके पास कमांड बाइंडिंग, वी नीड टू ऐड कमांड बाइंडिंग टू द एलिमेंट। अच्छा, अगर एलिमेंट में कमांड बाइंडिंग नहीं ऐड हुआ हुआ तो वो कमांड इनेबल नहीं होंगी यूजर इंटरफेस पे। इस लेक्चर से इतना ही है, बाकी सब आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लेक्चर चैप्टर 25। चैप्टर 25 में हम क्या पढ़ते हैं, चैप्टर 25 में हम स्ट्रक्चरिंग और डिप्लाइंग एन एप्लीकेशन पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर कैसे करेंगे एप्लीकेशन को और उसको इफेक्टिव वे में कैसे लाएंगे, और इसमें हम वो क्या पढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे वो WPF जो हम विंडो 32 में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे जितने भी app.xml और मेन window.xml कोड होते हैं फाइल के पीछे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा भाई, लेफ्ट ये वाली लाइन देख लें, एनी नंबर ऑफ चाइल्ड विंडोज कैन बी मेड बाय इंस्टेटिंग अ विंडो ड्राइव क्लास एंड कॉलिंग शो चाइल्ड विंडो लाइक पेरेंट विंडो बट गेट्स क्लोज व्हेन पेरेंट्स एंड सिमिलरली मिनिमाइज आल्सो कॉल्ड मोडलेस डायलॉग। ये आप लाइन देख लें, मोडलेस डायलॉग क्या होते हैं, वो डायलॉग होते हैं जो जब चाइल्ड विंडो और पेरेंट विंडो क्लोज हो रही है, वो चाइल्ड विंडो भी क्लोज हो रहा है, तो ये मोडलेस डायलॉग है। ठीक है, आपका ये बात आ गई, क्लियर हो गई। अच्छा भाई, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इवेंट एक्टिवेशन फॉल्स होती है। यहाँ लिखा हुआ है शो एक्टिवेटेड इज इक्वल्स टू फॉल, मतलब फॉल्स होती है जब डिफ़ॉल्टली हमारे पास विदाउट, जब तक हम इसको ट्रू नहीं करेंगे तो विंडो एक्टिवेशन ट्रू वर्किंग में नहीं आएगी। एंड रिजल्ट सेम, ये सारी कोडिंग हम छोड़ देंगे। उसके बाद हमारा जो मेन चीज़ होती है वो ऐप डॉट एक्सएमएल का कोड होता है। ऐप डॉट एक्सएमएल की कोडिंग में हम विंडो की जो जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें स्टार्टअप है, एग्जिट, एक्टिवेटेड, डीएक्टिवेटेड है, ये सब हम ऐप डॉट एक्सएमएल में डिफाइन करते हैं। इसके अलावा डिस्पैचर होता है, डिस्पैचर हमें एक विंडो से दूसरी विंडो पर, एक पेज से दूसरे पेज पर रन करवाता है, तो डिस्पैचर को भी आपको डिस्पैचर की डेफिनेशन पता है। डिस्पैचर डॉट रन एप्लीकेशन यूज़ करती हैं टू गो फ्रॉम वन विंडो टू अनदर विंडो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ देख लें स्प्लैश स्क्रीन। स्प्लैश स्क्रीन क्या होती है, स्प्लैश स्क्रीन वो स्क्रीन होती है जब आप कोई विंडो, जब कोई ऐप लोड हो रही होती है उस दौरान जो स्क्रीन आती है वो स्प्लैश स्क्रीन होती है। लाइक आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो जब ओपन करते हो तो एक विंडो वर्ड लोडिंग आ रही होती है, वो लोडिंग प्रोसेसिंग वाला जो स्क्रीन है वो स्प्लैश स्क्रीन है। जब एक कोई विंडो से एक विंडो से दूसरे विंडो पर मूव करते हैं बट उस दौरान आपको एक लोडिंग का वेट होता है, उसके लिए एक स्क्रीन होती है जो स्प्लैश स्क्रीन होती है। इसकी भी कोडिंग आपके पास यहाँ पर मौजूद है। मॉडल डायलॉग्स कौन से होते हैं, कॉमन डायलॉग्स होते हैं जो विंडोज 32 की तरफ से प्रोवाइड होते हैं, वो हमारे पास मॉडल डायलॉग्स हैं। अच्छा, यहाँ पे आगे चलते हैं परसिस्टिंग और स्टोरिंग। ये रजिस्ट्री और फाइल सिस्टम में ही होते हैं जो कि परसिस्टिंग और रिस्टोरिंग, रजिस्ट्री फाइल सिस्टम में यूज़ होते हैं, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसको भी छोड़ देते हैं अभी के लिए। अब चलिए, यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, क्लिक वंस और विंडोज इंस्टॉलर। इसके डिफरेंस को देखते हैं, विंडोज इंस्टॉलर के बेनिफिट्स क्या होते हैं और क्लिक वंस के बेनिफिट्स क्या होते हैं। विंडोज कॉलर इंस्टॉलर जो है वो कस्टम सेटअप शो करता है, शोइंग कस्टम सेटअप यू आई लाइक UELA, जो यूज़र इंटरफेस के कस्टम जो सेटअप होते हैं वो शो होते हैं हमारे पास विंडोज़ इंस्टॉलर। उसके बाद विंडोज़ इंस्टॉलर कंट्रोल करता है कि कहाँ फाइल इंस्टॉल हुई हुई है, और वो कोड के सेटअप टाइम को कंट्रोल करता है, वो असेंबलीज को, शेयर्ड असेंबलीज को इंस्टॉल कर करके रखता है, और ऑनलाइन इंस्टॉलेशन
प्रोवाइड करता है विंडोज़ इंस्टॉलर। तो ये इसके बेनिफिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं ताकि हमें नेक्स्ट याद रहे अच्छी तरह से। उसके बाद क्लिक वंस, क्लिक वंस के बेनिफिट्स भी देख लें। अगर क्लिक वंस ऐप पे बेस करती है ऐप, तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? वो बिल्ट इन सपोर्ट के लिए, ऑटोमेटिक अपडेट्स और रोल बैक के लिए, आपकी प्रीवियस वर्जन रोल बैक करने के लिए क्लिक वंस यूज़ होता है। अब वेब लाइक गो अवे एक्सपीरियंस, फॉरन स्टार्ट मेन्यू, कंट्रोल पैनल, इस तरह की चीज़ों में आपके पास क्लिक वंस यूज़ होता है। इस लेक्चर से हमारे पास इतना ही था। हम चलते हैं नेविगेशन बेस्ड ऐप्स की तरफ। इस लेक्चर 26 में हम नेविगेशन बेस्ड ऐप्स पढ़ने जा रहे हैं। ये वो ऐप्स होती हैं जिसमें हम नेविगेट करते हैं। नेविगेशन का मतलब क्या होता है? कि एक पेज से दूसरे पेज की तरफ जाना। लाइक बैक बटन्स यूज़ होते हैं जिन ऐप्स में, बैक बटन से हम नेविगेट करते हैं फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। अब नेविगेशन बेस्ड ऐप में आपके पास फोटो गैलरी है, बट कुछ ऐप्स होती है जिसमें नेविगेशन नहीं होती। लाइक आप पेंट ओपन कर, उसमें आप नेविगेट नहीं करते। अब ये क्या होती है नेविगेशन और फ्रेम? यहाँ पे दो वर्ड्स यूज़ किए हैं। आप सबसे पहले नेविगेशन और फ्रेम की क्या देख लें, उनकी डिफरेंशिएशन देख लें कि उनके बीच में डिफरेंशिएशन क्या है। नेविगेशन एक टॉप लेवल विंडो है, जबकि HTML फ्रेम एक सिंपल फ्रेम है। आई फ्रेम जिस तरह से HTML फ्रेम होगी, उस तरह से फ्रेम है। नेविगेशन में पर डिफ़ॉल्ट बैकवर्ड फॉरवर्ड होता है, जबकि फ्रेम्स में बैकवर्ड फॉरवर्ड का फंक्शन नहीं होता। अच्छा, नेविगेशन में एक प्रॉपर्टी होती है जर्नल, एक जर्नल। ये जो जर्नल प्रॉपर्टी है, इसे हम नेविगेशन में आगे पढ़ेंगे डिटेल में। बट फ्रेम में जब तक कि इसकी ओनरशिप ना हो, जर्नल ओनरशिप, ये प्रॉपर्टी नहीं होती। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रॉपर्टी सिर्फ जर्नल की प्रॉपर्टी नेविगेशन के पास है। और अगर ये MCQ आता है कि फ्रेम्स में जर्नल प्रॉपर्टी है, तो इट डिपेंड्स ऑन जर्नल ओनरशिप, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। अब पेजेस क्या होते हैं? जो विंडोज जिस तरह से होती हैं, वैसे पेजेस होते हैं। पेजेस में ऑन क्लोज और ऑन क्लोजिंग का एक आपके पास एलिमेंट होता है। ये देखेंगे कि ऑन क्लोज, ऑन क्लोजिंग क्या होती है। अच्छा, अब हम आगे ये देखते हैं, ऑन क्लोज, ऑन क्लोज एंड ऑन क्लोजिंग, ये प्रॉपर्टी क्या होती है। अच्छा, नेविगेशन कैन ऑल्सो हैपन बिटवीन HTML फाइल। ऑन क्लोज एंड ऑन क्लोजिंग ये टू प्रॉपर्टीज है जिसमें विंडोज़ वर्क करती हैं। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं नेविगेशन कैन ऑल्सो हैपन बिटवीन HTML फाइल्स, के बीच में भी नेविगेशन हो सकती है। उसके बाद यू कैन परफॉर्म नेविगेशन इन थ्री मेन वेज। क्या ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई कौन से थ्री वेज हैं? हम नेविगेशन के मेथड को कॉल करके भी कर सकते हैं नेविगेशन को। उसके बाद हाइपर लिंक्स क्या होते हैं? वो कुछ लिंक्स होते हैं जो आपको फॉरवर्ड कर देते हैं उस पेज की तरफ जहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं, वो हाइपर लिंक होते हैं। और यूजिंग द जर्नल, जर्नल सिंपली बैकवर्ड फॉरवर्ड बटन्स होते हैं जो आपके नेविगेशन के लिए वर्क करते हैं। अच्छा, हम आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास हाइपर लिंक एलिमेंट को डिस्क्राइब किया हुआ है। ये लिंक होते हैं XML में जिस पर क्लिक करने से हम नेविगेट कर सकते हैं। इसको क्लिक करते हैं तो हम कॉल नेविगेट फंक्शन में को इनेबल करते हैं और इस तरह से हम दूसरे पेज पे जाते हैं। अब जर्नल की तरफ जा रहे हैं। जर्नल क्या है? जर्नल प्रोवाइड्स लॉजिक बिहाइंड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटरनली टू स्टैक्स। अब देखें, जर्नल का सिंपल हम कहें कर एक रिकॉर्ड कीपर, जिस तरह से हमारे पास वैसे डेली लाइफ में होता है, उसी तरह से एक रिकॉर्ड कीपिंग होता है कि जब आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करो, एक ऐप से फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करो, तो उस पर रिफ्रेश नाउ पेज, आपका जो बैकवर्ड पे वर्क था वो वैसे ही रहे। अब अगर फॉरवर्ड जा रहे हो तो ये जर्नल की आपके पास प्रॉपर्टी होती है। जर्नल एंट्री कीप अलाइव का आपके पास प्रॉपर्टी यूज़ होती है जो हम यूज़ करते हैं टू इनेबल जर्नल्स। अच्छा, आप जर्नल्स में मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि नेविगेशन में जर्नल इनेबल होता है, बट फ्रेम्स के लिए जर्नल ऑनरशिप थ्री काइंड प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये थ्री प्रॉपर्टीज़ को मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये थ्री प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो जर्नल की, ये आपके पास यहाँ पर हाईलाइट कर दी थी मैंने। इसे मैं अंडू करती हूँ क्योंकि ये आपके पास थ्री इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जर्नल की, जो कि बहुत आपका पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है।
जर्नल ओनरशिप ओन्स जर्नल, अगर ये ओन्स जर्नल हुई हुई है, यूज़र पेरेंट जर्नल या ऑटोमेटिक। अब इन तीनों की छोटी सी डेफिनेशन आपको मैं बता देती हूँ। ये जर्नल ओनरशिप जब ओन है तो उस वक्त जो है ओन एक जर्नल होगा, मगर जब यूजर्स पेरेंट जर्नल है तो वो पेरेंट मेंटेन करेगा जर्नल, और ऑटोमेटिक पे डिफॉल्ट जर्नल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जर्नल्स प्रोवाइड लॉजिक बिहाइंड फॉर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड के लिए लॉजिक्स प्रोवाइड करता है जर्नल। अब आ जाओ स्पेसिफिक अंडो और रीडू स्कीम। जर्नल में जो अंडो रीडो की स्कीम है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जो अंडो रीडो करते हो वो बेस होता है जर्नल पे, लाइक आपका टूल्स एंड प्रेस करते हो तो दोबारा जो आपने हिस्ट्री में कोई स्टेप किया होता है वो मूव हो जाता है, जब आपने आपको वापस आप इस स्क्रीन पर आ जाते हो जो पहले होती है। अगर मैं इसको इस तरह करने के बाद कंट्रोल जेड प्रेस करूँगी, यहाँ पर कंट्रोल जेड इनेबल नहीं हुआ हुआ, तो वो उस पर आ जाएगा जैसा कि वो पहले था। तो दिस इज़ हाउ अंडो रीडो वर्क। तो ये जर्नल पे बेस करता है। यहाँ पर हमारे पास सिंपल जर्नल के नेविगेशन की डायग्राम्स हैं। उसके बाद नेविगेशन स्टॉप्ड, ये वो इवेंट होता है जब नेविगेशन में कोई एरर आता है तो वो या फिर वो कैंसिल हो जाती है, तो उस वक्त हमारे पास ये इवेंट राइज होता है नेविगेशन स्टॉप का। अब ये डाटा डायग्राम से हमें एक्सप्लेन किया हुआ है, मेन पेज सेटिंग पेज, अगर कोई एरर होगा तो वो दोबारा नेविगेशन और पास करके मेन पेज पर आ जाएगी। एक ये है पेज फंक्शन, और पेज फंक्शन अगर फंक्शन ये एक्ट करे तो वो मेन पेज और सेटिंग पेज पे के गेट इस तरह से मूव करती रहेगी डेटा के साथ रिटर्न। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर लेक्चर 26 कंप्लीट होगा।